डॉ भीमराव जब पार्लियामेंट से संविधान लागू कर बाहर निकले थे तो वो हंस रहे थे, तो उनके साथ आदरणीय नेहरू जी थे। उन्होंने कहा, महोदय मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि संविधान आपने पारित कर लिया लेकिन हंस क्यों रहे हो। उन्होंने कहा, महोदय आप तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि अभी तक इस देश में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज के बाद जनता के अंगूठे के दम पर राजा बनेगा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। अंबेडकर जी ने आपको वो अधिकार दिया है, उसका आप प्रयोग करिए, और खासतौर से अपना बैकवर्ड कोई भी समाज का हो, पहले अपना समाज हो, अपने समाज का, अपने बैकवर्ड का समाज हो, लेकिन ये ध्यान रखिए वो बैकवर्ड समाज का हो तो मनवादियों का गुलाम ना हो। मंदिर के अंदर पुजारी और उसके साथियों ने एक हमारी बहन का बलात्कार कर दिया। हम मानते हैं हम नास्तिक नहीं है, आस्था है, लेकिन हमें मिलता क्या है। आप एक स्कूल नहीं बना सकते लेकिन 10-10 मंदिर बना रहे हैं। अगर मंदिर बना रहे हैं तो उसकी चाबी किसके पास है? मनवादियों के पास। आप उनके लिए एक एटीएम बना रहे हैं, सब लोग जाते हैं 10-10-5 रुपए वहां पर चढ़ाते हैं और वो जो लाखों रुपए कहां जाता है। आपने जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में मनवादियों के बच्चों को झंडा उठाकर आगे चलते हुए नहीं देखा होगा। वहाँ हमारे भाई बहन चलते हैं झंडे उठा करके, और जब लाठीचार्ज होता है मार खा करके तो हम लोग करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा बड़े लोगों के लड़के कोई यात्री IFPCS कोई प्रदेश में करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, दिन भर घूम फिर के शाम के टाइम होकर घर में सोते हैं। मनवांसिकता में लोगों ने जो रामायण महाभारत लिखी है सब काल्पनिक है, आदरणीय ललित सिंह यादव और पेरियार जी ने 2001 में सुप्रीम कोर्ट में इन्हें काल्पनिक घोषित कर दिया था कि रामचरितमानस और रामायण काल्पनिक है। चाहिए और जब तक हम अपना एकजुट होकर अपना वोट नहीं करेंगे साथियों, अपने साथियों को नहीं जिताएंगे, अपने भाइयों को नहीं जिताएंगे, अपने पिछड़े वर्ग के साथियों को नहीं जिताएंगे, जब तक हमारे पिछड़े वर्ग का हित होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय फूलंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छक्कीलाल निषाद जी जिन्होंने गागर में सारा भरने का काम किया। इसी कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश से चल के आए हमें खरीद चुका है। इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से, माताओं बहनों से गुजारिश है कि ये करना बंद कर दो, खुद नेता बनो। हम छोटी जातियों के लोग रहे हैं, मनवांसिकता में लोगों ने जो रामायण महाभारत लिखी है सब काल्पनिक है। आदरणीय ललित सिंह यादव और पेरियार जी ने 2001 में सुप्रीम कोर्ट में इन्हें काल्पनिक घोषित कर दिया था कि रामचरितमानस और रामायण काल्पनिक है। गीता को उन्होंने केवल सार्थक बताया था। मैं ये कहता हूँ कि कपड़े का आविष्कार कब हुआ था आप लोग बताइए, लेकिन जो हमारे जिनको हम भगवान मानते हैं उनके कपड़े कहाँ से आ गए, क्योंकि कपड़े का आविष्कार 1100 शताब्दी में हुआ था। सोने का आविष्कार बाद में हुआ लेकिन उनके कपड़े कहाँ से आ गए। इन चीजों का आप मंथन कीजिए। अभी आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में मंदिर के अंदर पुजारी और उसके साथियों ने एक हमारी बहन का बलात्कार कर दिया। हम मानते हैं हम नास्तिक नहीं है, आस्था है, लेकिन हमें मिलता क्या है। आप एक स्कूल नहीं बना सकते लेकिन 10-10 मंदिर बना रहे हैं। अगर मंदिर बना रहे हैं तो उसकी चाबी किसके पास है? मनवादियों के पास। आप उनके लिए एक एटीएम बना रहे हैं, सब लोग जाते हैं 10-10-5 रुपए वहां पर चढ़ाते हैं और वो जो लाखों रुपए कहां जाता है। आपने जितने भी
कार्यक्रम में मनवादियों के बच्चों को झंडा उठाकर आगे चलते हुए नहीं देखा होगा। वहाँ हमारे भाई बहन चलते हैं झंडे उठा करके, और जब लाठी चार्ज होता है मार खा करके तो हम लोग करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा पढ़े लोगों के लड़के कोई यासी आईएसपीसीएस कोई प्रदेश में करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, दिन भर घूम फिर के शाम के टाइम होकर घर में सोते हैं। तो शिक्षा कभी नहीं हम ग्रहण कर सकते, ना बड़े पर्दों पर जा सकते हैं, केवल हाई स्कूल इंटर करने के बाद कुछ नहीं होने वाला। और दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है आप रोड पर अपना पार्टी पूरी का ठेला लगा लीजिए, 50 रुपए कमाएंगे 500 कमाएंगे, लेकिन दूसरे के यहाँ जो 250 में दूरी करने जाते हैं 400 में उससे बचोगे, आपको कोई नहीं कर सकता, आप समाज से जिएंगे 500 रुपए कमाएंगे। अगर वो 500 रुपए फिर अपने बच्चों को लगाएंगे, जो आपके बच्चे की गुलामी की मानसिकता मजदूरी की मानसिकता है वो सोचेगा मेरा पापा 500 कमा के लेता है, अगर मैं नौकरी नहीं पाता पढ़ने के बाद 700 कमाऊंगा, तो जो उसकी गुलामी और मजदूरी की मानसिकता है वो बदल जाएगी। जब तक हम छोटी से परिवर्तन शुरुआत नहीं करेंगे तो इस तरह के तमाम मंच लगा कर हमारे नेता का चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाने के बाद चले जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। वो आपने देखा होगा मेरे यहाँ आदरणीय बहुत से 80-30 साल के बुड्ढे बैठे हैं, जाने कितने नेता आए होंगे चले गए होंगे मंच में चिल्ला करके, लेकिन कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जब हम बदलेंगे तब गांव मोहल्ला बदलेगा, जब मोहल्ला बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो हमारा कस्बा बदलेगा, कस्बा बदलेगा तो शहर बदलेगा, शहर बदलेगा तो जनपद बदलेगा। और अगर आप जनपद बदलना चाहेंगे तो आपको गांव मोहल्ला को बदलना पड़ेगा। अगर आपने गांव मोहल्ला नहीं बदला शहर बदल नहीं सकते, राज्य नहीं बदल सकते हैं। सब लोग कहते हैं मोदी खराब है, योगी खराब है, फलाने खराब है, अरे हम वोट तो उसी को देते हैं। पूरे गांव मेरा भैया आ गया, मुझसे बहुत घनिष्ठ है, वो घनिष्ठ आपसे तब तक है जब तक आप उसको वोट नहीं देते हैं। आपने उसको वोट दिया घनिष्ठता खत्म हो गई। आप छोटा सा एक पट्टा देख लीजिए, पट्टे का हो पूरम का हो, सामान्य जातियों के सिवा किसी को नहीं मिला, क्योंकि ऊपर से नीचे उन्हीं के बैठे हैं। आप जिस थाने पे जिस हथियार पर जाइए बड़े बड़े पदों पर सामान्य वर्ग बैठा है, जब सामान्य वर्ग बैठ गया तो छोटे वर्ग छोटे वर्ग को मिले कहां से। डॉक्टर भीमराव जब पार्लियामेंट से संविधान लागू कर बाहर निकले थे तो वो हंस रहे थे, तो उनके साथ आदरणीय नेहरू जी थे, उन्होंने कहा महोदय मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि संविधान आपने पारित कर लिया लेकिन हंस क्यों रहे हो। उन्होंने कहा महोदय आप तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि अभी तक इस देश में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज के बाद जनता के अंगूठे के दम पर राजा बनेगा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। अंबेडकर जी ने आपको वो अधिकार दिया है उसका आप प्रयोग करिए, और खास तौर से अपना बैकवर्ड कोई भी समाज का हो पहले अपना समाज हो, अपने समाज ना अपने बैकवर्ड का समाज हो, लेकिन ये ध्यान रखिए वो बैकवर्ड समाज का हो तो मनवादियों का गुलाम ना हो, क्योंकि जब बाबा बी आर अम्बेडकर पुणे से हारे थे और बैरागी लाल जी वहां से जीत कर लोकसभा गए थे तो वो बैरागी लाल जी बी आर अम्बेडकर से मुलाकात करने गए, उन्होंने कहा आदरणीय मैं आपसे बधाई देना चाहता हूँ देना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आप समाज के लिए क्या करोगे, उन्होंने कहा जो मेरी सरकार कहेगी, बोले तो अपनी समाज का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मनवादियों की गुलामी से दूर हो